आज मैं आपके लिए एकदम खस्तेदार मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। घर में रखे सिर्फ 3 चीज़ों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए खस्तेदार मिठाई बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमें 4 बड़े चम्मच मेल्टेड देसी घी डाल देना है। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ 1 चुटकी नमक डाल दिया है और इन सभी को हमें हाथों से अच्छी तरह से पूरा मिला लेना है। आप देख सकते हैं इसे मैं कैसे मिला रही हूँ। आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि देसी घी आटे में अच्छी तरह से मिल जाए और हमारी मिठाई एकदम खस्तेदार बने। आप देख सकते हैं ये कैसे मुट्ठी में बन जा रहे हैं। हमारा मैन एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से पूरा गूँथ लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत नरम भी नहीं गूँथना है। रोटी से हमें इसे थोड़ा सा सख्त गूँथना है। आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब इस आटे को हम ढककर एक साइड में 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 2 कप हमने शुगर डाल दिया है और 1 कप हमें पानी डाल देना है। और शुगर और पानी को हमें गैस की आंच मीडियम करके अच्छी तरह से उबाल लेना है। आप इसे अच्छे से चला लीजिएगा ताकि ये तली में पकड़े नहीं। हमें इसे 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हल्के से ये चिपचिपे हो जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे पकते हुए हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से चिपचिपे हो गए हैं। अब हमने साइड में जो आटे रखे थे इसे हम थोड़ा सा और मसल लेंगे और इसकी 1 बराबर हम लोइया बना लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप ये खस्तेदार मिठाई अपने घर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें और भी नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। अब हम अलग से कटोरी में 2 बड़े चम्मच मेल्टेड देसी घी ले लेंगे और 1.5 चम्मच हमने यहाँ मैदा ले लिया है। मैदा और घी को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। मैदा हमें कम लग रहा था, हमने 1/2 चम्मच मैदा और डाल दिया है। हमारा साटा बनके तैयार हो गया है। अब हमने जो लोइया ली थी वो लोइया को हम चौके पे रख देंगे और इसे चपटा करके रोटी के साइज का इसे हमें आटा लगाकर बेल लेना है। आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, जैसे हम रोटी बनाते हैं वही साइज का बेल लेंगे। एक एक करके हम यहाँ 5 रोटियाँ बना लेंगे। आप भी 5 रोटियाँ बना लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ 5 रोटियाँ बना ली है। अब जो हमने साटा बना के तैयार की थी, 1 रोटी पे पहले हम अच्छी तरह से सभी जगह लगा देंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से सभी जगह रोटी पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम 2री रोटी रख देंगे और इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से सभी जगह साटा लगा देंगे। ऐसे ही एक एक करके हमने 5 रोटियों पे एक एक के बाद रोटी रख के साटा लगा दिया है ताकि जो हमारी मिठाई बने एकदम खस्तेदार बने। अब हम रोटियों को और भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं साटा लगाने के बाद मैंने रोटियों को थोड़ा सा और बेल के बड़ा कर दिया है। अब हम रोटी को अच्छी तरह से रोल कर देंगे। आप देख सकते हैं इसे मैं कैसे घुमा घुमा के रोल कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाते हैं और इसे हाथों से थोड़ा सा हम ऐसे रोल करते हुए लंबा कर देंगे। अब इसे हम चाकू की मदद से काट लेंगे। आप इसे
बड़ा छोटा अपने मन मुताबिक काट लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हम इसे थोड़ा सा और शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं इसे मैं कैसे कर रही हूँ। किनारे से हमने इसे थोड़ा सा खींच दिया है, हाथों से हल्का सा प्रेस कर दिया है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और जब ऑयल में ये फ्राई होंगे ना, तो इसकी सारे परतें खुल सी जाएंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके हमने यहाँ अपनी सारी मिठाई बना ली है, आप देख सकते हैं। अब हम मिठाई को एक प्लेट में रख देंगे। और हमने यहाँ गैस पर ऑयल गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिए हैं। हम इसे मीडियम टू लो गैस पे फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारी जो मिठाई है ना बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी है, इसलिए इसे फ्राई होने में वक्त लगेगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप इसे मीडियम टू लो गैस पे ही फ्राई कीजिएगा। मिठाई ऑयल में डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही ऑयल में छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद इसे हम पलट लेना है। मीडियम टू लो गैस पे ही आप इस मिठाई को फ्राई कीजिएगा, नहीं तो अगर आप इसे फास्ट पे फ्राई करेंगे ना, तो ये ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे ही रहेंगे और खस्तेदार भी नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप इसे मीडियम टू लो गैस पे ही फ्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी मिठाई फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। और जो हमने शुगर सिरप बनाया है, इसी शुगर सिरप में हम गर्म गर्म इस मिठाई को डाल देंगे। और मिठाई को हमें शुगर सिरप में 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारी मिठाई अच्छी तरह से शुगर सिरप पी ले। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी मिठाई शुगर सिरप को अच्छी तरह से सोख ली है। अब हम मिठाई को शुगर सिरप में से बाहर निकाल देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी खस्तेदार टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इस पर हम पिस्ता और बादाम के कतरन डाल देंगे, ताकि हमारी मिठाई देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक मिठाई मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए ये कितने खस्तेदार बने हैं और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने हैं। आप अपने घर ये एक बार मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको इस फेस्टिवल ये यम्मी मिठाई खानी है तो अपने घर बनानी तो पड़ेगी। तो आप अपने घर ये खस्तेदार मिठाई बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।